भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कोटला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस छोड़कर जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनका पार्टी स्वागत करती है और उन्हें मान सम्मान दिया जाएगा। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार कांग्रेस मुक्त हिमाचल होगा। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह और उनके पुत्र चुनाव नहीं जीत पाएंगे, साथ ही इस बार कांग्रेस शून्य तक पहुंच जाएगी। हिमाचल के अंदर हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है इस बार कांग्रेस मुक्त हिमाचल होगा। इस बार वीरभद्र सिंह जी और उनके पुत्र भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यहां कांग्रेस जीरो पर आउट होगी, क्योंकि यहां पर पिछले 5 साल तक जनता की सूद किसी ने नहीं ली, सिर्फ जनता का शोषण हुआ है। यहां पर जनता के जेब में कमाई नहीं आई। मुख्यमंत्री जी ने जो हिसाब दिया उसमें कहा कि करोड़ों रुपए सेब से आए। सेब कैसे, कितने का सेब होता है? मैंने कहा वो सेब के बाग दिखाओ, हम तो बचपन से हिमाचल का सेब खा रहे। लेकिन वीरभद्र सिंह जी और कांग्रेसियों के बाग में सोने के सेब होते हैं। आपने देखे हैं? आप रात में जाइएगा, रात में तोड़ते हैं वो, सुबह नहीं दिखे। चोरी चोरी चुपके चुपके उन्होंने, कांग्रेसियों ने ऐसे बाग उगाए हैं कि और सेब तो लाल लाल होते, लेकिन कांग्रेसियों के सेब जो है सोने के रंग के। उन्होंने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि करोड़ों रुपए सेब की फसल से आए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सेब क्या रात के समय तोड़े जाते हैं जो दिन में दिखाई नहीं देते। उन्होंने तंज कसा कि क्या मुख्यमंत्री के यहाँ सेब होते हैं या सोने के सेब। और गुजरात में भी कांग्रेसियों को कांग्रेस पर भरोसा नहीं, राहुल गांधी को 7 नंबर पसंद है। तो देखिए 7 सीट मिली, कितनी मिली? 7। ये कांग्रेस डूबती नाव है, जल्दी से कूदिए और आइए जब आर ठाकुर के नाव में बैठिए, प्रोफेसर धूमल के, नड्डा जी के, नरेंद्र मोदी और शाहनवाज हुसैन के नाव में आइए। हुसैन जी का यहाँ पे आने के लिए मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपको विश्वास दिलवाना चाहूंगा कि आने वाले समय में मैं विधायक नहीं बल्कि मैं आपका एक सेवक के रूप में आपका काम करूंगा। और तो मुझे विश्वास है कि इस बार जितना मुझे आशीर्वाद और प्यार जो मिल रहा है, मैं समझता हूं कि पीछे भी हमने यहां पे चुनाव लड़े हैं, इस बार में ऐसा लग रहा है कि इस बार जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो इस देश में सरकार चली है, आज जो कांग्रेस मुक्त देश हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस बार दिल्ली में सरकार हमारी है, हिमाचल में सरकार हमारी है, इस बार दंग की भी बारी है।